You may proceed. Your Honor, ये तीनों जो आपके सामने खड़े हैं ये इसी गांव के हैं और बच्चे हैं। Objection. कानून में बच्चा और बालिक दोनों की व्याख्या बिल्कुल साफ। ये तीनों 18 साल से ऊपर हैं और अपनी हरकतों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। आप सही कह रहे हैं। जज साहब, अदालतों की ये परंपरा रही है, पहली बार अपराध करने वालों के साथ अदालत सख्ती से पेश नहीं आती है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये तीनों के तीनों अपने अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं। अगर इन्हें जमानत नहीं मिली तो इनके परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। ऑब्जेक्शन। जज साहब, इस केस का ताल्लुक इनके अपराध से है, ना कि जज्बात से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जज साहब, ये तीनों गरीब परिवार से आते हैं, इनके पास ना साधन है ना कोई मौका, इसलिए इनका कानून से भागने का कोई डर ही नहीं है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन तीनों को जमानत पे छोड़ दिया जाए। साहब, इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज होते ही ये तीनों वहां से भाग गए थे। पुलिस को इन्हें पास के गांव से गिरफ्तार करना पड़ा है, इसलिए अब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये तीनों भगोड़े हैं और कभी भी भाग सकते हैं। ऑब्जेक्शन, ये बेबुनियाद आरोप है। ये ठीक कह रहे हैं, आप अपनी दलील केस तक सीमित रखें। आई एम सॉरी जज साहब, लेकिन मेरा अब भी यही दावा है कि ये तीनों कभी भी फरार हो सकते हैं। ये पहले भी फरार हो चुके हैं, तो क्या गारंटी है कि बेल मिलने के बाद ये दोबारा फरार नहीं होंगे? जज साहब, मेरे ये काबिल दोस्त अच्छी तरह से जानते हैं कि केस पूरी तरह से फर्जी है और बेबुनियाद। ये सुनवाई में पता चलेगा। ये हियरिंग सिर्फ जमानत की अर्जी तक सीमित है। आपके पास और कोई दलील है? नो जज साहब। ये कोई मामूली हिंसा का मामला नहीं है, एक महिला पर हमला हुआ है, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा का घोर उल्लंघन हुआ है। महिला पर होता अत्याचार हमारे समाज और हमारे देश के माथे पर कलंक है, और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत के सामने ये तथ्य भी है कि पन्ना ने इन तीनों आरोपियों को पुलिस स्टेशन में हुई आइडेंटिफिकेशन परेड में पहचाना है, इसलिए इस अदालत का फर्ज बनता है कि वो इस तरह के हादसों पर अपनी धारणा व्यक्त करें। लिहाजा ये अदालत भीखू, मल्लाह और विक्रम लोहार की जमानत की अर्जी को नामंजूर करती है। द कोर्ट इज एडजर्न।
सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और मैं आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी की और आपकी सेवा में। भाइयों और बहनों, आज तक आप लोगों ने हमसे फोन पर कई सवाल किए हैं, जिसके हमने जवाब भी दिए हैं। लेकिन आज हम आपसे सवाल करेंगे और आपको उनके जवाब देने हैं। लेकिन हाँ, हमसे झूठ ना कहना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बुआ जी सब जानती हैं। अच्छा मुन्ना, लगाओ फोन। बबलू, फोन लगाओ। प्रणाम बुआ जी। हाँ हाँ, फुलवा। हाँ, सारा गांव सुन रहा है, बोलो। फुले नहीं समा रहे हम बुआ जी। अरे अरे अरे, ऐसी क्या बात है, इस खुशी का कारण? बुआ जी, जब से घर में शौचालय बना है, हमारे तो घर की काया ही पलट गई है। अरे, वो कैसे? आप तो जानती है बुआ जी, जब तक घर में शौचालय नहीं था, हमारे बच्चे आए दिन बीमार पड़ते थे, और इसी कारण न तो वो पाठशाला जा पाते थे और पढ़ाई में भी पीछे रह जाते थे। अच्छा, और अब? अब तो हमारे बच्चे बिल्कुल रुष्ट पुष्ट है और पढ़ाई भी मन लगा कर करते है बुआ जी। देखा गाँव वालों, ये एक समझने वाली बात है, एक छोटे से शौचालय का कितना बड़ा असर होता है। बिल्कुल। धन्यवाद फुलवा। जी बुआ जी, नमस्कार। तो बुआ जी, अब अगला फोन लगाओ अपना। बबलू, अगला फोन लगा दिया। हेलो। अरे बगदू, कैसे हो बगदू? ओहो बुआ जी, अरे बुआ जी, आपने हमें फोन किया, हमारा तो तीरथ हो गया बुआ जी। अरे अरे अरे, हाँ बगदू, अच्छा एक बात बताओ कि तुम हल्का होने के लिए कहाँ जाते हो? बुआ जी, ये सवाल आप हर एक से क्यों पूछ रही हैं? भाई इसलिए, क्योंकि हम एक लिस्ट बना रहे हैं उन मतदान केंद्रों की, जहां हमारे गांव वाले अपनी ही सेहत के खिलाफ रोज वोट देने जाते हैं। भाई बुआ जी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे बगदू, ये बताओ, मर्दों ने कभी समझा है क्या? तुम तो ये बताओ, जाते कहां हो? अरे वही तालाब के पीछे। बड़बक कहीं का, देखो कैसा कह रहा है। अरे नहीं, बात करनी बंद कर दो भाई। नहीं करना हमें बात। तालाब के पीछे हो? दूसरा फोन लगाओ। हाँ, मुन्ना। बबलू, फोन लगा। लगा दिया। अरे शर्मिला, हाँ हाँ हाँ, कहो कैसी हो तुम? बुआ जी, मैं तो एकदम मजे में हूँ। वैसे बुआ जी, आपके प्रश्न का जवाब है कि हर रोज सूर्यास्त होने से पहले हम खेतों के कोनों में जाते हैं, और वहाँ पे ना रात रानी के पौधे भी है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है बुआ जी। हैं? नाम है शर्मिला और काम है खुले आम। जी बुआ जी। सबर रख, जल्दी ही सारा गांव समझ जाएगा। बुआ जी का, शर्मिला बहन की बात सुनकर हमारे दिल में एक दोहा छिड़ गया है। तो बक दो दोहा। सुनिए, रात की रानी खुशबू से धरती को स्वर्ग बनाए। और फरमाइएगा, रात की रानी खुशबू से धरती को स्वर्ग बनाए, सुबह की रानी वहीं जाकर बदबू ही फैलाए। बाजी वाह वाह नहीं करेंगी? अब इस पर भी वाह वाह करना पड़ेगा क्या? रहने दो, अब हम सबकी खबर लेंगे, ठीक है? हाँ बेशक। बुआ जी और मुन्ना लेंगे सबकी खैर, सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। एनी टाइम एनीवेयर। सही बात है, मुसीबत कभी बोल के नहीं आती। बाबा जी। अरे मधोक साहब, आइए आइए। जय हो, जय हो प्रभु। क्या बात दिव्य। मधोक साहब, आज हम भाप नहीं पा रहे हैं कि आज आप मरीज बनकर पधारे हैं या पुलिस वाले। ना बाबा, ना तो आज हम मरीज बनकर पधारे हैं, ना ही पुलिस वाले बनकर।
आपके दर पर हम आए हैं चारागार बनकर। कौन सा गार? चारागार। चारागार। दरअसल क्या है बाबा, ये हमारी बुआ जी ने काशी से दिव्य जड़ी बूटी भेजी है। उन्होंने कहा इसके सेवन से मन एकदम शांत शीतल हो जाता है। लीजिए। लेते हैं लेते हैं, अभी लेंगे। ना ना ना, आपको इसकी आवश्यकता अभी ज्यादा है, लीजिए ना, नोश फरमाइए। अरे आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मधोक साहब लेनी ही पड़ेगी, ले लेते हैं। शीतलता मिली? मिल रही है, मिल रही है। अच्छा बाबा, शीतलता से याद आया, आपके जो वो तीन लौंडे थे ना, उनकी जमानत याचिका माननीय अदालत ने खारिज कर दी है। मधोक साहब, उन लौंडों ने जो किया उससे हमारा क्या? बाकी जड़ी बूटी बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। अरे बाबा, मुझे मत कहो शुक्रिया, सुनिएगा ध्यान से, मुझे मत कहो शुक्रिया कि मैंने किया क्या है, मुझे मत कहो शुक्रिया कि मैंने किया क्या है, आती कयामत का सिलसिला आप ही का दिया है। है? बाबा, इस दवाई की शीतलता का आनंद रात को आएगा आपको, तब तक इंतजार कीजिए, हम चलते हैं। बाबा। तो आप लोगों को पता है आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम बताते हैं, आज हम खेलेंगे एक खेल। नहीं मुन्ना, एक खेल नहीं, खेल में खेल, यानी कि बहुत सारे खेल। खेल को शुरू करने से पहले, इस खेल को शुरू करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं मंच पर आपकी दुलारी, हम सब की दुलारी, दुश्मन ए बीमारी डॉक्टर स्नेहा माथुर को। नमस्कार। और साथ ही बुलाना चाहते हैं पन्ना को, जो हमारे गांव की होने वाली आशा है। तो बुआ जी, खेल शुरू हो उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर स्नेहा आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करना चाहती हैं, लेकिन सांगीतिक ढंग से। तो बुआ जी, शुरू करें? बिल्कुल शुरू करना ही चाहिए, शुरू कीजिए। चलिए अब फिर शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है बताओ? एक घर है, समझ भी जाओ। घर? ये घर कैसा होता है? लोगों जैसा होता है। लोगों जैसा होता है? ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है। जोड़ी कहे आओ, आओ घर में पधारो। आंगन कहे आओ, बच्चों मुंह को सवारो। रसोई कहे आओ, यहाँ भोजन पकाओ। कमरे कहे आओ,
यहाँ बैठो, बिठाओ, छत कहे आओ, तुम्हें धूप से बचाओ, खिड़की कहे आओ, तुम्हें दुनिया दिखाओ, कुंडी कहे आओ, तुम्हें रात से बचाओ, फर्श कहे आओ, सीधे चलना सिखाओ। सच के बारे में इतना ये सच अवश्य है, घर भी अपने ही परिवार का सदस्य है। जैसे रखते हैं साफ अपना तन बदन, वैसे ही घर को रखते साफ करके हर जतन। घर में रोज खुशी का पर्व, घर ही है पहचान, घर ही है गर्व। ये क्या है? ये अपना गांव है जानो। ये गांव कैसा होता है? अपने घर जैसा ही मानो। सुनो साथियों सुनो, ज्ञानी क्या कहता है, गांव है वो कमरा जिसमें घर रहता है। झूठ, गांव भी अगर घर है तो सामने ये दुविधा क्यों है? चित और पट दोनों मेरे, कहने की सुविधा क्यों है? घर लगे रोज झाड़ू पोछा, तो सड़कों पर कूड़ा क्यों है? घर जले अगरबत्ती, तो गांव बदबू की पुड़िया क्यों है? घर को मेरे लगा है रंग, तो स्कूल बेरंग क्यों है? घर में मेरे मीठा पानी, तो कुआं बेढंग क्यों है? घर में मेरे सोफा सेट, तो चौपाल मंदा क्यों है? घर में ताक पर सजी है चीज, तो बाजार गंदा क्यों है? घर मेरे दोस्तों की भीड़, तो गरीब अकेला क्यों है? घर है मेरा अलबेला, तो ये गांव मौतेला क्यों है? क्या है खरी स्वच्छता, ये तुम कैसे जानोगे? गांव को भी जब तक अपना घर नहीं मानोगे। क्या है खरी स्वच्छता, ये तुम कैसे जानोगे? गांव को भी जब तक अपना घर नहीं मानोगे। अपना घर नहीं मानोगे, अपना घर नहीं मानोगे। कभी आपने सोचा है, बदलाव, खासकर अच्छा बदलाव और सही विकास कहाँ से आता है? सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, कानून आदेश और निर्देश दे सकता है,
सेवा करनी काम कर सकते हैं, मगर सही बदलाव आता है अंदर से, हमारे और आपके अंदर से। हम सब ने वो कहावत सुनी है, बूंद बूंद से भरे सरोवर। कितनी सच्ची बात है, हर गांव का हर एक निवासी अपने आप में एक बूंद है, मगर जब यही बूंदें एक मकसद को पाने के लिए सरोवर बन जाती हैं, तो बदलाव आ सकता है और हमारा हर गांव स्वच्छता और स्वास्थ्य का सरोवर बन सकता है। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ।